आसमान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार। लरजा सुत की राखिले, मेरी नाव लगई हो पार। जिस लम मेरे गुरु बसे, उधर न भाऊसीस। महाराज सिंह कृपा रहे, त्यारो सदा रहे आशीष। तो राधा तू बड़ी भागिनी, दादा कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, अरे सो तेरे आधीन आए। दीन दयाल सुनी जमती, और जल दिल गजरा जयुमारो है। अरे मीरा घर का सगन कसाई, मेरे नाथ यहां मिलता रो है। अरे मीरा घर का सगन कसाई, मेरे नाथ यजा मिलता रोए। अरे तेनी भागु बलो रामा को कोई नंदा नाई प्यारो है। अरे मार किला त अहिल्या तारी, हर चंद मोर ध्वज तारो है। अरे पाच परस को धुरम तपोटी नमको करी दो तारो है। अरे पाच परस को धुरम तपो नमको करी दो तारो है। अरे केंद के धोखी दयो जमुना में ते नागुना थी दो तारो। जन्म लयो तब खोलो जेल को तारो है। अरे आज कन्हैया जसुदा बारे तेरे रनौसा। अरे आज कन्हैया जसुदा बारे कोई तेरे रनौसा मारो है। अहिल्या तारी हरिचंद मोर ध्वज तारो है। स्वामी के रजात अहीर, मैं बाबैया आयो काबुल में।
आदरणीय समश्रोता बंधु, सम्मान के सबे छोटे बड़े भाई बहन एवं मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले हम उम्र साथी। और भैया बड़े सौभाग्य की बात है कि गांव रनौसा जैसी पावन भूमि पे और ये कार्यक्रम रखा गया। देखियो कितनी भीड़े, भीड़ के मां कोई समार ना है। पुलिस आ रही है यहाँ पे तो नाच भाई ने रहा नाच भाई बड़े उड़े ना थे कटिया ने डरे कहा है तो वो कटिया ने छोड़ के आए हमने यहाँ पे। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं अपने गांव में और ये नाइट का प्रोग्राम हमारे बड़े भ्राता श्री गुट्टू शास्त्री जो कह रहे थे। ओ भैया रात्रि का टाइम है, चलो कोई बात नहीं, खड़ो करो तो नेकाद हम जरूर सुनाएंगे। आख्यान उस समय का जिस समय पर पांचाली द्रौपदी को जुआ में जब जीत लिया था, दाए पर जब पांचाली द्रौपदी को लगा दिया था, तो उस समय पर दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन के लिए आदेश दिया है कि जाओ और पांचाली द्रौपदी को ला करके बीच सभा में मेरी जंगा पर बिठा करके नगिन कर दे। तो आज आदेश जब दिया है दुर्योधन ने, और तब दुर्योधन को हुक्म भयो दुर्योधन को हुक्म भयो दुशासन देर लगाई है राजसभा को चोरे चलो और रोए महल को आई है दादा सुनियो कथा यार अरे चवया दे सुभयो रे भैया को अरे तब तू शासन करी नया बार तू शासन करी नया बार को जब लेने के लिए दुशासन और जब महलों में पहुंचा है और पांचाली द्रौपदी से कहा है, क्या कहा है, अरे भैया ने भवन बुलाई अरे भैया ने भवन बुलाई अरे भैया ने भवन बुलाई हो जाई क्या रखना। आज पांचाली द्रौपदी को जब लेने के लिए दुशासन जब गया है तो द्रौपदी ने मना किया है कि मैं इस समय पर एक वस्त्र आधार हूं और केस भी सिर के खुले हुए हैं, इसलिए मैं सभा में जाने के योग्य नहीं हूं। तो आज उस समय पर पापान पापी दुशासन कर्म कौन सा कर रहा है, कैसे ओए केस पकड़ के लई है उठाई केस पकड़ के लई है उठाई ओए केस पकड़ के लई है उठाई केस पकड़ के लई है उठाई के लगा सितारो है लगाई लगाई मेरे महाराज रे रोई
रखना, आज जिस समय पर दुशासन लेकर के गया है पांचाली द्रौपदी को और खींच करके जब लेकर के गया है और जाकर सभा के मध्य में जब खड़ा किया था, आदेश कर दिया दुर्योधन ने कि जाओ मेरे सामने पर सारी को खींच करके नग्न किया जाए, तो आज पांचाली द्रौपदी और दोनों हाथ जोड़ करके दुशासन से विनती कर रही है, बोली क्या है, कैसे अरे तेरे तेरे अरे तू कर जोरू देवरात तेरे देवर हाथ, अरे मोर नगिन सभा में मत करे। और क्या कह रही है पांचाली द्रौपदी, अरे मेरे पाचा पिया बलवान मेरे पाचा बलवान मेरे सभा में घूम रही है। तू शासन से कहा है कि मैं एक वर्ष आधार हूं, सिर के केस खुले हुए हैं। आज दुशासन जब विनती किए दुशासन नहीं माना है और चीर को जब खींच रहा था पांचाली द्रौपदी चौतरफा घूम रही थी। एक बार के लिए ऐसा कोई पीर बाकी नहीं रहा जिसके पास में जाकर के पांचाली द्रौपदी ने मदद की गुहार न की हो। आज जब बैठ करके बाबा भीष्म के पास में जब पहुंची है तब बोली है कैसे, अरे पिता मेरे जाना माता के ओ ब्रह्मचारी पुकार के लिए बाबा जो है जाऊंगी नगी नयुवारी तो मर जाऊंगी शर्मा की मारी आज पांचाली द्रौपदी बाबा भीष्म के पास में गई घूम रही है। आज मददगार कोई नहीं था और आज
राज बाबा भीष्म से जब करड़ पुकार करके और चौतरफा घूम रही थी, जब फिर पांचों बैठे मिलके एक लाइन में और तब बोली है उंगली करके, क्या